अरे कभी भी रंग देखकर शादी मत करना, क्योंकि भूरी चींटी काली चींटी से भी ज्यादा जोर से काटती है। सुनो जी, एक बात बताओ, चुनाव से पहले सभी नेता इतने अच्छे क्यों बनते हैं? अरे मेरी जान, शादी से पहले हर लड़की अपने संस्कार बहुत अच्छे बताती है, लेकिन भैया उसके असली रंग शादी के बाद ही देखने को मिलते हैं। मुझे कुछ समझ। कोई बता सकता है भगवान ने किस लिए लड़कियों को बनाया है? हम बता सकते हैं। तो बताओ। हम सब लड़कों को बर्बाद करने के लिए। भैया जब तक जिंदगी है ना, पेट भर के खा लिया करो, मरने के बाद तो घर में नहीं आवाज आया करेगी, जा रे जा छोरा अपने बाबा के भोग लगा दे। साली एक बात बताऊं मैं देर से, तुम मेरे को ना ज्यादा अकड़ मत दिखाया कर, साड़ी औरतों के ना सारे काम आते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है औरतों का जो मैं कर नहीं सकता हूँ। अच्छा, एक बच्चा पैदा करके दिखा दो। ओह नो, हो गई बोलती बंद। पता नहीं लोग शादी के बाद अपनी बीवी से इतना डरते क्यों हैं। हमने तो आज साफ साफ कह दिया, भाई ठंडी बहुत है, बर्तन तो सुबह ही मांजेंगे। सुनो जी, जब भी आप घर से बाहर जाया करो, भगवान के सामने हाथ जोड़ कर जाया करो, उससे सारी बलाएं टल जाती हैं। मैं नहीं मानता भैया ये सब। क्यों? अबे शादी वाले दिन भी मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ कर ही निकला था। नेता और बीबी हम खुशी से चुनते हैं, और बाद में ये दोनों किसी का एक भी नहीं सुनते। दरवाजा खोलो जल्दी, कौन है इतनी रात में? आपके पति का एक्सीडेंट हो गया और ट्रक के नीचे आके पापड़ बन गया। तो दरवाजा खोलने की क्या जरूरत है? नीचे से ही सरका दो। गूगल, बीवी को काबू करने का तरीका बताना। औकात से बाहर कुछ भी सर्च ना करे। सुनो जी, एक बात बताओ, बीवियों में ज्यादा हिम्मत होती है या पतियों में? अबे बीवियों में ज्यादा हिम्मत होती है। वो कैसे? अबे देख, बीवियां अपने पति का शर्ट, टी शर्ट, लुंगी, जीन्स, कुर्ता सब कुछ पहन लेती हैं, लेकिन भैया पति की हिम्मत नहीं है कि उनकी साड़ी, सलवार या कुर्ता पहन सके। मम्मी जी देखना, अभी तक तो ये आए नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं इनका बाहर किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? तू हमेशा मेरे बेटे के बारे में बुराई सोचियो, कभी अच्छा मत सोचियो, हो सकता है दारू पी के कहीं नाले वाले में पड़ा हो। आपको पता है आदमी के बुढ़ापे की असली पहचान क्या है? मैं बताऊं? हाँ बताओ। गंजापन? नहीं। दवाइयाँ? नहीं। झुर्रियाँ? अरे बिल्कुल भी नहीं। फिर तुम ही बताओ। दोस्तों, बुढ़ापे की असली पहचान ये है जब आपकी पत्नी शक करना बंद कर दे, ये होती है असली पहचान। अबे हे, हाँ चलिए बता, लड़कियां अगर पराया धन होती हैं तो लड़के क्या होते हैं? लड़कियां अगर पराया धन होती हैं तो लड़के क्या होते हैं? अरे चोर होते हैं। वो कैसे? क्योंकि इनकी नजर हमेशा पराया धन पे ही होती है। कब से पूछ रही हूँ कि आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बस मुझे ही देखे जा रहे हो, कुछ बताती क्यों नहीं? हेलो गूगल, पति के चेहरे पे खुशी कैसे लेके आए? पड़ोसन के नंबर देकर। तू गूगल है या सोतन है मेरी? सारा मूड खराब करके रख दिया। आमिर एक बात बता, लड़के ज्यादा खूबसूरत होते हैं या लड़कियाँ? लड़के। वो कैसे? अबे पागल, अगर लड़के खूबसूरत नहीं होते तो उनके लिए मेकअप नहीं बनता। लड़कियाँ खूबसूरत नहीं होती, उनके लिए मेकअप बनता है कि तुम मेकअप करो, खूबसूरत बन जाओ। एक एक रुपया जमा करके मैंने 1,500 में से खरीदा है, तो वो रुपए मैं आपको दे देती हूँ, फिर तो ठीक है। फिर भी मैं क्यों दूँ? 20 दुकानों के चक्कर काटे हैं इसके लिए, पांव भी दुख गए। प्लीज प्लीज दे दीजिए ना। हाँ, अच्छी जबरदस्ती है। सुनो जी, एक बात बताओ, आदमियों को दूसरों की बीवियाँ क्यों अच्छी लगती हैं? अरे भैया, अगर एक आदमी रोज रोज लौकी की सब्जी खा रहा है और उसको दूसरे के हाथ में पनीर दिख जाए तो भैया लालच तो आएगा ही।